Hello everyone, welcome to Unacademy, India's largest learning platform. Let's crack gate ESE with Unacademy. मेरे बच्चे देखिए, आप में से जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को बनाने का मेरा एक ही मकसद है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको उन पॉइंट्स की क्लैरिटी देना चाहता हूं जो आपके दिमाग में काफी समय से आ रहे होंगे, जो आपके मन में काफी टाइम से डाउट्स होंगे कि कोविड-19 आ गया है, कोरोना आ गया है, हमारी अच्छी भली प्रिपरेशन जो चल रही थी उसको एक पॉज भी लग गया, उसको एक स्टॉप मिल गया, अब हम क्या करें सर, हाउ डू वी प्रोसीड फर्दर। तो मेरे बच्चे, एक बात आप बहुत अच्छे से इसमें समझ लीजिए कि इस वीडियो को देखने के बाद मैं कोशिश करूंगा, इस वीडियो में और इस वीडियो को देखने के बाद आपके काफी पॉइंट्स की क्लैरिटी आपको मिल जाएगी और आप ये समझ पाएंगे कि कैसे हमें प्रिपरेशन करना है, कैसे हमें आत्मनिर्भर प्रिपरेशन करना है। जैसा कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी का कहना है कि आत्मनिर्भर बनिए, तो आत्मनिर्भर बन के तैयारी कैसे की जाती है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक करिएगा, बहुत अच्छे से कमेंट करिएगा और इसको शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो बेटा जी, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आपको मैं बताना शुरू करता हूँ कि किस बारे में हम बात करने वाले हैं, कैसा कैसा इम्पैक्ट होने वाला है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, थोड़ा सा मेरे बारे में आप जान लीजिए। मेरे बच्चे, आप जिनसे बात कर रहे हैं, मेरा नाम है अंकुर मलिक, मैं सिविल इंजीनियरिंग पढ़ाता हूँ। आई एम अ सिविल इंजीनियरिंग फैकल्टी, गेट ESE एक्सपर्ट मैं हूँ। 7 साल से 6 साल से ज्यादा का समय है मेरे बच्चे, पूरे देश में हमने नॉर्थ से लेके साउथ तक, ईस्ट से लेके वेस्ट तक, चाहे वो कोलकाता हो, अहमदाबाद हो, पुणे हो, कोई भी इंडिया का सिटी हो, फॉर दैट सेक जो मेजर सिटीज हैं वहां जाके हमने स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है। तो आप देखिए, जो भी इंस्टीट्यूट का नाम आप जानते हैं, आपके पर्टिकुलर एरिया में जो भी एक्टिव इंस्टीट्यूट हैं वो सब में हमने पढ़ाया है। कोई नॉर्थ का है, कोई सेंट्रल इंडिया का है, कोई साउथ में है, कोई पूरे इंडिया में है। तो बेसिकली जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं मेरे बच्चे, सब में हमने पढ़ाया, सारे स्टूडेंट्स को ट्रेन किया और बहुत सारे ऑल इंडिया रैंक्स हमने प्रोड्यूस किए हैं। देखिए, अब आपकी बारी है ऑल इंडिया रैंक प्रोड्यूस करने की। हमने खुद भी किया है, आप ये सब पढ़ सकते हैं मेरे बच्चे, ये सब मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको पढ़ लीजिए। अब देखिएगा कि कुछ ऐसी पोजीशंस भी हमने होल्ड की हैं मेरे बच्चे, जहां से हमने स्टूडेंट्स को बेसिक से उठा के और उन मुकाम पे पहुंचाया है जहां वो जाना चाहते हैं। देखिए, आपकी एज में या जो भी आप लर्नर्स हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपका मकसद एक ही है कि एक अच्छा सा रिस्पेक्टेबल सरकारी नौकरी हमें मिल जाए सर, गेट ESE के माध्यम से या SSC JEE के माध्यम से। उन सारे स्टूडेंट्स को अब पढ़ाने का जिम्मा मैंने अनअकैडमी पे उठाया है। तो अनअकैडमी ने हमारे साथ मिलकर ये बहुत अच्छा एक कोर्स हम लॉन्च करेंगे। सो बेसिकली नाउ आई एम प्लस एजुकेटर ऑन अनअकैडमी विच इज इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। यहाँ अब आप मुझसे जुड़ सकते हैं, ताकि जो भी स्टूडेंट्स अलग अलग कोने में बैठे हैं देश के, वो हमसे नहीं जुड़ पाते थे, तो यहाँ जुड़ सकते हैं। बेटा जी, इसको एक बार ध्यान से देखें कि इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 क्या है। इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 क्या है, देखिए, हमारे देश को, हमारी दुनिया को, हमारे पूरे संसार को इस एक वायरस ने हिला के रख दिया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इससे घबरा जाएं या हम कुछ करने लगे। बहरहाल, हमारा ये लेक्चर जो है, हमारा ये वीडियो जो है, इट इज नॉट अबाउट कोविड-19, इट इज मोर अबाउट द इम्पैक्ट, कि इम्पैक्ट क्या है कोविड-19 का हमारी प्रिपरेशन पे। मेरे बच्चे, एक एक करके सारी चीजें आपको क्लियर करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप दिमाग में जो आपके आ रहा होगा, नो वैकेंसीज मिथ मैंने यहाँ लिखा है। बेटा देखिए, एक चीज आप दिमाग में बिठा लीजिए, बहुत सारे मिनिस्टर्स, बहुत सारी गवर्नमेंट्स ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि वी आर नॉट गिविंग एनी वैकेंसीज। इसका मतलब ये नहीं है, देखिए वैकेंसीज हैं क्या, ये आप एक बार मुझे बताइए, आप खुद से पूछिए कि आप वैकेंसी का मतलब क्या जानते हैं। बेटा, वैकेंसी एक वो वैकेंट पोजिशन है जो खाली हो जाती है किसी के रिटायर होने से, या फिर कोई नया प्लांट या कोई नई कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने से, जो सिविल इंजीनियर का रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर रहे होते हैं। तो मेरे भाई, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री नहीं है, यहाँ तरक्की लगातार होगी जैसा मोदी जी कह रहे हैं और हम भी उस बात से सहमत हैं। वी आर नॉट अ डेवलप्ड नेशन, द डेवलपमेंट विल बी कॉन्टिन्यूअस, वी विल स्टिल बी डेवलपिंग, चाहे कोरोना आए, चाहे कुछ भी आए। दूसरा पॉइंट, लोग रिटायर होना भी निश्चित रहेगा, लोग हर साल, हर महीने, हर दिन रिटायर हो रहे हैं, तो उन लोगों का जो वैकेंट प्लेस है उस प्लेस को भी फिल करना होगा। सो बेसिकली ये जो मिथ आपने दिमाग में बना लिया है कि कोई वैकेंसीज आने वाली नहीं है, तो इस नो वैकेंसीज को हम क्या बोलेंगे, इसके लिए आई एम गिविंग यू अ टर्म बेटा जी, डिलेड वैकेंसीज। वैकेंसीज क्या है, कैंसिल नहीं हुई है, दे आर जस्ट डिलेड।
अब डिले वैकेंसी होने का देखिए बोला जाता है ब्लेसिंग इन द डिस्गाइज, माने कि जो दूसरों के लिए अभिशाप है हो सकता है वो आपके लिए वरदान बन जाए। आप हो सकता है इस समय इस पॉइंट पे उतना प्रिपेयर्ड नहीं थे कि आप डायरेक्टली जाके एग्जाम में बैठ पाते, लेकिन कोरोना या कोविड-19 की वजह से जो ये डिले हुआ है वैकेंसीज निकलने में, आपको एक स्लैब मिल गया है कुछ समय का, आपको एक और ज्यादा समय मिल गया है कि आप अपने प्रिपरेशंस को आगे ले जा पाए, उन प्रिपरेशन को आप तरीके से एग्जीक्यूट कर पाए। बेटा उसको एग्जीक्यूट करने के लिए सिविल इंजीनियर जो भी मुझे सुन रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, वो जान लें कि बहुत फ्रेश कोर्सेज मैं लॉन्च करने वाला हूं, चाहे वो एग्जामिनेशन हो गेट का, चाहे वो एग्जामिनेशन हो ESC का, या जो लोग SSC JEE के लिए भी कोर्सेज चाहते हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, ताकि मैं आप लोगों के लिए स्टार्ट लेके एक वीडियो या एक पूरा कोर्स मैं आपके लिए स्टार्ट कर पाऊं। SSC JEE के लिए जो लोग चाहते हैं वो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ताकि हमें पता चले। अब सुनिए बेटा जी, चाहे गेट की वैकेंसीज हो, चाहे ESC की वैकेंसीज हो, चाहे SSC JEE की या किसी भी स्टेट सर्विसेज की वैकेंसी हो, वो सारी वैकेंसीज आएंगी, बट दे आर डिलेड। सो वैकेंसीज आर नॉट कैंसल्ड, दे आर डिलेड, इसको आप याद रखेंगे। उनमें बस देरी हो रही है, कैंसल नहीं हो रहे हैं। अब समझिए बात को आगे, नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, फिजिकल क्लासरूम कोचिंग मिथ। आप लोगों ने एक मिथ अपने दिमाग में, जिन लोगों ने बना के रखा है कि मुझे फिजिकल कोचिंग में पढ़ना है, या जो लोग वेट कर रहे हैं कि फिजिकल क्लासरूम कोचिंग में ज्वाइन करूंगा या करूंगी, देखिए मेरे बच्चे, आप जिस भी पार्ट में हैं कंट्री के, वहां कोई ना कोई फिजिकल क्लासरूम कोचिंग का आप मूड बना के बैठे हैं। एक बात मैं आपको बता दूं कि जैसे ही वैकेंसीज डिले हुई हैं, वैसा ही इंपैक्ट फिजिकल क्लासरूम कोचिंग पे भी पड़ रहा है। फिजिकल क्लासरूम कोचिंग भी डिलेड है। सो सारे एजुकेटर्स जो हैं वो ऑनलाइन आ चुके हैं, तो बेहतर है सारे लर्नर्स भी अपनी लर्निंग को ऑनलाइन शुरू कर दें, ताकि बाय द टाइम हमारी वैकेंसीज आए हम तैयार हो चुके हों। तो मेरे बच्चे, डू नॉट वेट फॉर द फिजिकल क्लासरूम्स टू ओपन, जस्ट कम ऑन द ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म और आके उसको ज्वाइन कर लीजिए। किसको चूज करना है वाइजली, किसमें आपको जाना है, कौन से कोर्सेज आपको लेने हैं सिविल इंजीनियर्स के लिए, मैं कमिंग सेक्शन में नेक्स्ट स्लाइड में इसको कवर करने वाला हूं। तो वीडियो को देखते रहिए एंड तक, आपको पूरा क्लैरिटी मिलेगा इस पे कि सर इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19, जो कोविड-19 की वजह से हमारे एजुकेशन पे प्रभाव पड़ा, उसको हम कैसे सही करें। तो बेटा देखिए, स्टार्ट लर्निंग नाउ टू स्कोर लेटर। माना एग्जाम्स डिलेड है, एग्जाम्स कैंसल्ड नहीं है, तो प्लीज दिमाग में आप बैठा लीजिए कि जब भी एग्जाम होगा मैं उसमें अच्छा स्कोर करूंगा। आई विल स्कोर एन ऑल इंडिया रैंक AIR में लेके आऊंगा। और वो AIR कैसे आएगा, जब आप लर्निंग अभी से शुरू करेंगे, जो भी कोर्सेज अंकुर मलिक अभी शुरू करने जा रहे हैं अन अकेडमी ऐप पे, वो आपको सारे कोर्सेज पढ़ने होंगे, एक एक करके सारा वीडियोज देखना होगा, तभी आप जाके अभी लर्निंग स्टार्ट करेंगे और बाद में आप उसको जाके क्या कर सकते हैं, अपने एग्जाम में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो स्टार्ट लर्निंग नाउ। और मैं एक चीज आपको बता दूं, अगर आप अनअकैडमी पे आते हैं, मैं आपको ये समझाऊंगा कि क्यों आपको आना है, कैसे आपको आना है और क्या करना है, वो कमिंग स्लाइड्स में आप देखेंगे। थोड़ा सा भी सब्र रखिए बेटा। देखिए मोदी जी ने कहा है कि आत्मनिर्भर बनिए। क्या बनिए बेटा जी? आत्मनिर्भर बनिए। तो ये आत्मनिर्भर शब्द, जब मोदी जी जैसा महान नेता या बड़ा नेता प्रधानमंत्री पद पर बैठ के कोई बात कहता है, तो उसकी कोई जिम्मेदारी से वो ये बात कहता है। आत्मनिर्भर सिर्फ और सिर्फ बाकी सेक्टर्स को नहीं बनना है, एजुकेशन सेक्टर को भी बनना है। और जब आत्मनिर्भर एजुकेशन सेक्टर को बनना है, तो सिर्फ एजुकेटर्स को नहीं बनना है, लर्नर्स को भी बनना है। तो लर्नर कौन है? आप है मेरे बच्चे, जो एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, आप लर्नर कहलाते हैं। आप आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे, उसको हम आपको जरा बताते हैं। देखिए, आत्मनिर्भर लर्निंग, हमें अपनी लर्निंग को क्या करना है, आत्मनिर्भर करना है। हमें दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। मैं नहीं वेट करूंगा कि कब कोचिंग खुले, कब मैं जाऊं और मैं कब पढ़ना शुरू करूं। मैं क्या करूंगा, मैं आज से अभी से मैं पढ़ना शुरू करूंगा। और कैसे मैं पढ़ना शुरू करूंगा, मैं आपको बताता हूं मेरे बच्चे। सबसे पहले डिसाइड योर एग्जाम। आप में से आई गारंटी इट 70-80% स्टूडेंट्स को माइंड में ये क्लैरिटी नहीं होगा कि आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आप गेट के लिए जाना चाहते हैं, आप ESC के लिए जाना चाहते हैं, आप SSC JEE के लिए जाना चाहते हैं, या स्टेट के PSCs के लिए आप जाना चाहते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए। आपको नहीं बता रहे सर जो पेपर आएगा वो दे देंगे, ऐसा नहीं होता है मेरे बच्चे। या तो आप अपने एग्जाम को डिसाइड करिए, और एग्जाम को डिसाइड नहीं कर पा रहे तो अपने सब्जेक्ट्स को डिसाइड करिए। पूछिए कैसे,
कौन सा एग्जाम मुझे देना है और क्यों देना है, उस एग्जाम से मुझे क्या फायदा होने वाला है। जैसे कि मैं एक एग्जाम गेट क्यों देना चाहिए उसका स्ट्रेटेजी आपको बताता हूँ, उसका मैं आपको रीजंस बताता हूँ। अगर आप चाहते हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज और एसएससी जेई और पीएससी पे भी वीडियो बने मेरे बच्चे, तो कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि किसकी वीडियोस की आपको आवश्यकता है। वो वीडियोस मैं आपको दूंगा और आपको पता चलेगा कि वो एग्जाम आपको क्यों करना चाहिए। जैसा कि देखिए, हमें गेट क्यों देना चाहिए बेटा जी, ये देखिए व्हाई गेट, मैंने बोला आस्क व्हाई। देखिए हमने यहाँ क्या लिखा, आस्क व्हाई, पूछिए अपने आप से कि क्यों गेट क्यों। देखिए बेटा जी, गेट से आपको ना केवल पीएसयूज मिलेंगे जो बच्चों को पता है, आपके लिए मैं इस पॉइंट को थोड़ा ज्यादा एक्सप्लोर करूंगा इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज की। मैं आपको बता दूं कि ऐसी ऐसी यूनिवर्सिटीज जैसे कि नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, ये इतना बड़ा यूनिवर्सिटी है बेटा जी, एंड इट इज रिक्रूटिंग ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर कार्ड। गेट के बेसिस पे ये अपने जो स्कॉलर्स हैं उनको ले रहा है। तो अगर आप हायर स्टडीज के लिए बाहर जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, तो भी आप गेट को दीजिए। रिसर्च इज अ टर्म विच इज हाईली हाईली डिमोटिवेटेड इन इंडिया। इंडिया में इसका बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन होता है और बहुत से कम स्टूडेंट्स को इसके बारे में बताया जाता है। बेटा जी ध्यान से समझिए, आप में से शायद बहुत से लोग ये नहीं जानते होंगे कि डायरेक्ट पीएचडी प्रोग्राम में आप जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गेट स्कोर कार्ड। ये डायरेक्ट पीएचडी प्रोग्राम क्या है बेटा जी, एक हमारे देश में एक सीएसआईआर नाम का एक इंस्टीट्यूट है, सीएसआईआर नाम की एक एजेंसी है जिसके अंडर सेवरल इंस्टीट्यूट या सेवरल लैब्स हैं। ये सारे लैब्स में जब पढ़ाई होती है तो वो अकेडमी सीएसआईआर के अंडर होती है। तो आप में से जो भी बीटेक सिविल इंजीनियर्स हैं, अकेडमी सीएसआईआर में आप जाइए, वहां डायरेक्ट पीएचडी के लिए एनरोल करिए। कैसे होता है, क्या होता है, जानना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको बताऊंगा। बस एक बात जान लीजिए कि यहां अगर आप पहुंच जाते हैं डायरेक्ट पीएचडी के लिए तो यू आर एलिजिबल फॉर अ स्टाइपेंड ऑफ 35,000 प्लस आपको बीटेक के बाद मिलना शुरू हो जाता है। सैलरी भी बहुत से लोग ये नहीं पा पाते हैं बेटा जी बीटेक के बाद, तो प्लीज अंडरस्टैंड इट कि ये बहुत ही अच्छा रास्ता है। गवर्नमेंट जॉब्स की मैं बात करूं, कितने स्टेट का पीएससीज हैं, जैसे कि मैं बात करूं हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन, ऑल ऑफ देम हैव स्टार्टेड रिक्रूटिंग ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर कार्ड, क्योंकि वो अपने ऊपर कोई एलिगेशन नहीं लेना चाहते हैं कि हमने रिक्रूटमेंट में धांधली कर दिया। ऐसा करके बेटा जी पीएसयूज की भी अगर मैं बात करता हूं तो पीएसयूज में जो स्टूडेंट्स ऑल इंडिया रैंक ले आते हैं बढ़िया, वो जा सकते हैं पीएसयूज में। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इट कि जैसा हमने गेट के लिए पूछा कि व्हाई गेट, ऐसा ही आप हर एग्जामिनेशन के अपने मन में पूछे कि व्हाई दिस, मुझे क्या चाहिए जीवन में। वो एग्जाम आपको डिसाइड करना है और फिर उस एग्जाम के लिए हमें स्ट्रेटेजी बनाना है और आगे बढ़ना है। जैसे कि हमने गेट के लिए यहाँ पे फाइनल किया है, तो देखिए नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या है। नेक्स्ट हमारा स्टेप है बेटा जी प्लान योर स्ट्रेटेजी, सीक हेल्प, आस्क अस, मुझसे पूछिए, हमारी टीम से पूछिए, अन अकेडमी से आप पूछिए, कमेंट सेक्शन में पूछिए, या हमसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करके आप पूछिए। आपको पता चलेगा कि कैसे स्ट्रेटेजी बनाया जाता है। जैसे कि गेट के लिए मैं आपको एक स्ट्रेटेजी दिखाता हूं बेटा जी, ये ग्राफ खुद हमने बनाया है सिर्फ आपके लिए ताकि आप समझ पाए। देखिए बेटा जी ये बहुत कॉमन है, सब लोग जो गेट एस्पिरेंट्स हैं इसको जानते हैं, लेकिन एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स और जियोटेक ये 15-15 नंबर के जरूर पूछे जाते हैं। एक बार इसको पढ़ लेते हैं उसके बाद हम आपको बताएंगे आगे। देखिए एनवायरमेंट 10 से 12 नंबर का होता है बेटा जी, 9 से 10 नंबर का ट्रांसपोर्टेशन आता है, सर्वेइंग आता है, सीएमएम आता है, सीएमएम स्टैंड्स फॉर कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स एंड मैनेजमेंट, इसको हम एक साथ रखते हैं। डब्ल्यूआरई वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, इसमें आपको क्या पढ़ना है बेटा जी, हाइड्रोलॉजी इरिगेशन ये सब आपको पढ़ना है। डिजाइन ऑफ कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स की हमें बात करनी होगी, बहुत कम वेटेज आता है बेटा, ज्यादा पढ़ने की इसको जरूरत नहीं है। स्टील स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर एनालिसिस, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, FM एंड OCF। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, ये क्लासिफिकेशन आपने बहुत देखा होगा, लेकिन एक बात मेरी ध्यान से समझिए मेरे बच्चे कि ये क्लासिफिकेशन कोई थंब रूल नहीं है जो हमेशा ऐसा रहेगा। ये जो एनालिसिस है मेरे बच्चे, ये एनालिसिस सिर्फ और सिर्फ पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सहायता से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सहायता से ये किया जाता है। कोई भी IIT ये वेटेज नहीं देती है या IISc इस वेटेज को लीक नहीं करता है, ये सिर्फ हमारा एनालिसिस है। तो आप इसके बेसिस पे आगे बढ़ सकते हैं लेकिन इसको निश्चित नहीं मान सकते। अब समझिए बेटा गेट के भी दो माध्यम है। गेट में एक तो आप क्या करें कि आपको सिर्फ उसको क्वालिफाई करना है पहली बार में। पहली बार में क्वालिफाई करने के लिए क्या आप देख रहे हैं, इन छोटी इमारतों को आप त्याग सकते हैं, छोटी इमारतों को त्याग सकते हैं। अगर आप सिर्फ ये तीन सब्जेक्ट एनवायरमेंट, ट्रांसपोर्टेशन और ये दो पढ़ लेते हैं बेटा जी, तो काउंट करिए कितने मार्क्स पे आप पहुंच पा रहे हैं। इतने मार्क्स से बेटा जी आपको नई IITs मिल जा रही हैं मास्टर्स के लिए, आपको पीएचडी के लिए डायरेक्ट भी आपको एडमिशन के लिए कॉल आ सकता है अकेडमी सीएसआईआर से।
तो जो लोग गेट से घबराते हैं वो इन सब्जेक्ट्स को छोड़ के प्रिपेयर करें, और इन सब्जेक्ट्स के लिए हम बहुत जल्द, मैं अंकुर मलिक आपके लिए एक बैच चलाने वाले हैं जिसका हम नाम रखेंगे गेट गारंटी, और उसमें हम आपको गारंटी देंगे गेट की। अगर वो पूरी वीडियोस आप देखते हैं, या अभी हम स्टार्ट करेंगे पूरी वीडियोस देखते हैं, तो आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ के ऑल इंडिया रैंक इजिली स्कोर कर पाएंगे मेरे बच्चे। देखिए आगे बढ़ते हैं, अब पूछिए अपने आप से कि डिसाइड द राइट पीपल बिकॉज दे हैव द राइट स्ट्रेटेजी। अगर आप राइट स्ट्रेटेजी जानना चाहते हैं तो डिसाइड द राइट पीपल कि आप किनके साथ जाना चाहते हैं। बेटा जी देखिए, स्ट्रेटेजी सिर्फ इतना बना दिया हमने, ये सिर्फ हमने भाई गेट पूछा, इसमें हमने पूरा डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी किया। अब आती है एग्जाम की, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन एक सब्जेक्ट है जिसको मैं बहुत डिटेल में मेरे स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, इसका स्ट्रेटेजी समझिए आप थोड़ा सा। ट्रांसपोर्टेशन के चार जरिया है मेरे बच्चे, हाईवे से, रेलवे से, एयरपोर्ट्स माने एयरवेज से, या फिर पानी से। आप चार ही तरीके से जा सकते हैं, या तो रोड से, या रेल से माने ट्रेन से, या फिर हवाई जहाज से, या फिर समुद्री जहाज से। उसलिए आपको सिविल इंजीनियर, एज अ सिविल इंजीनियर क्या पढ़ना है, हाईवेज पढ़ना है, रेलवेज पढ़ना है, एयरपोर्ट्स पढ़ने हैं, एयरपोर्ट्स का डिजाइन पढ़ना है, और डॉक्स और हार्बोर्स पढ़ने हैं। बहुत से एग्जाम इसको पूछ भी नहीं रहे हैं मेरे बच्चे, लेकिन फिर भी हम इसको पढ़ाते हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग सर्विसेज या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या उनके इंटरव्यूज में इसको कभी भी पूछ लिया जाता है। सो दिस इज अ मस्ट स्टडी, इसको हम छोड़ेंगे नहीं, और गेट और ईएससी दोनों में कंबाइंड पूछा जाता है ये, जिसमें से मैक्सिमम वेटेज जो है मेरे बच्चे 5 से 6 नंबर का वो रहता है ट्रांसपोर्टेशन बाय हाईवे से। तो इस तरीके से बेटा जी हर हर टॉपिक को हम बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, और उसका हम डिटेल्ड क्लासिफिकेशन देखते हैं। देखिए बेटा हम आगे बात करते हैं, इसको थोड़ा समझिए। सो बेसिकली यू डिसाइड द राइट पीपल, राइट पीपल डिसाइड करने के बाद आपको क्या करना है, चूज वाइजली। वाइजली आपको चूज करना है, सही लोग हों, स्ट्रेटेजी आपको सही बता पाए। अब बात करते हैं चूज वाइजली की, कि आपको क्या लेना है। अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन आपको लेना है बेटा जी, वन सब्सक्रिप्शन अनलिमिटेड एक्सेस, एक सब्सक्रिप्शन आप लीजिए, एक बार पैसा दीजिए, उसके बाद आप आराम से बैठ के सारी वीडियोस को अपने कंफर्ट के हिसाब से, ऐसा नहीं है लाइव ही देखना, रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं अगर किसी दिन आप बिजी हैं। पूरे सिलेबस को डिटेल में ऐसे ही एक एक पॉइंट करके कवर किया जाएगा, जैसे हमने इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश की कि आप कैसे आगे बढ़े अपनी प्लानिंग के साथ या अपनी प्रिपरेशन के साथ। सारे टॉप एजुकेटर्स आपको मिल जाते हैं एक सिंगल प्लेटफॉर्म के ऊपर, और आपको ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती, इधर उधर भागना नहीं पड़ता कि एक सब्जेक्ट उनसे पढ़े, एक सब्जेक्ट उनसे पढ़े। इंटरेक्शन रहेगी, लाइव क्लासेस रहेंगी, डाउट क्लासेस रहेंगी, सब रहेगा मेरे बच्चे। आपको प्रॉपर शेड्यूल के साथ पढ़ाया जाएगा, और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जो मेरे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं और मेरे माध्यम से स्कोर करना चाहते हैं, एक बात जान ले, हमेशा मैं आपको बताऊंगा, मोर विल बी द नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस्ड, मोर विल बी द नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस्ड। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बेटा जी, किससे, रैंक से, आपकी ऑल इंडिया रैंक से। सो मोर विल बी द नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस, बेटर विल बी योर रैंक मेरे बच्चे। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए चूज वाइजली। मेरा बच्चा आता है 1 महीने का पैकेज लेता है, उसको जब तक उसको समझ आने लगता है उसका पैकेज खत्म हो जाता है, फिर 1 महीने का लेता है, फिर ये हो जाता है, फिर 1 महीने का, ऐसा करके वो बहुत सारे पैसे अपने वेस्ट कर देता है। बेटा जी पैसा आपका है, अकलमंदी से, बुद्धिमानी से चूज करिए। जो बच्चा सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में है, या जिसको लगता है मेरे कॉन्सेप्ट थोड़े कमजोर हैं, वो 24 मंथ्स वाले पे जाए। 24 मंथ्स वाले का पैकेज वैसे है 30,000 का, लेकिन अगर आप यूज करते हैं रेफरल कोड AMUS, AM स्टैंड्स फॉर अंकुर मलिक एंड US स्टैंड्स फॉर अन अकेडमी स्टडीज, आप यूज करिए AMUS को, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, आप 27,000 में 2 साल का पैकेज ले सकते हैं। उसके अलावा अगर आप 1 साल का भी लेना चाहें, जो बच्चे पहले तैयारी हमसे कर रहे हैं वो ले सकते हैं, 25,000 का है, पर 22,500 में आपको रहेगा अगर आप मेरा डिस्काउंट यूज करते हैं, मेरा कूपन, मेरा रेफरल कोड यूज करते हैं AMUS अंकुर मलिक स्टडीज का। तो बेटा जी एक बात आप जान लीजिए कि मैं नए कोर्सेज स्टार्ट करने वाला हूं, तो मेरे भाई आ जाइए सब लोग जल्दी से अनअकैडमी ऐप पे, AMUS का मैं फिर से लिख दे रहा हूं यहां पे, AMUS का इस्तेमाल करिए और AMUS के माध्यम से मुझसे जुड़ जाइए, मैं आपको सारी चीजें बहुत डिटेल में सिखाऊंगा। आप पहली अटेम्प्ट में गेट, ESC और सरकारी नौकरी पाने की आप में काबिलियत होगी अगर आप पूरा कोर्स पढ़ते हैं तो। बेटा जी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करिए, इसको चैनल को ऑलरेडी आप सब्सक्राइब कर चुके होंगे, अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए ताकि अंकुर मलिक के सारी वीडियोस आपको मिले, और
कमेंट करके मुझे बताइए कि इस वीडियो से आपको एसएससी जेईई ईएससी गेट किस किस के बारे में आपको और जानना है, ताकि मैं और वीडियो जल्द से जल्द आपके लिए ला पाऊं। बाय मेरे बच्चे, आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। और जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं एएमयूएस का इस्तेमाल करके आप सब्सक्राइब करें, सब्सक्रिप्शन लें, और डेली 3 बजे मैं क्लासेस दे रहा हूं, मैं स्टार्ट कर चुका हूं कोर्स को। आइए वहां पे हम आपको डेली 3 बजे मिलेंगे अन अकेडमी ऐप के ऊपर, अन अकेडमी ऐप या अन अकेडमी डॉट कॉम पे आप मुझे पा सकते हैं। सो बाय फॉर नाउ, सी यू ऑन द अन अकेडमी ऐप। बाय मेरे बच्चे।